हाँ लाइट, हाँ लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश। चलिए हाँ प्रकाश, हाँ तो क्या बोलते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? सर, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वेरी गुड, कहाँ पे? अश्मी इंजीनियरिंग है, कोलकाता पे कंपनी। पहले कंपनी में मैं एज ए रिबार डिटेलर ज्वाइन हुआ था, तो अभी वो रिबार डिटेलिंग ब्रांच मतलब डिपार्टमेंट बंद हो गया है, तो मेरे को वो लोग जॉयस डिटेलिंग डिपार्टमेंट में स्विच कर रहे थे कर रहे हैं। मैं जॉइस्ट, जॉयस का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हाँ जॉयस जॉइस्ट डिटेलिंग, डिटेलिंग कनेक्शन का क्या? जॉइस्ट, हाँ वो रूफ फ्रेमिंग प्लान से जो होता हाँ है हाँ यूएस का, वही वही वही, वही जॉयस डिटेलिंग का, ओके, जॉयस हाँ गार्डर डिटेलिंग जो होता है। हाँ लेकिन सर मैं यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूँ मैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय है तो कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, चक्कर में इसमें डाल दिया, ऐसा लग रहा है। वो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए डाल रहे थे, मतलब वो मुझे लूज नहीं करना चाहते थे, मतलब एक ब्रांच बैठ गया तो मैं आज से चला जाऊंगा ये नहीं करना चाहते, अपना एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते थे, इसलिए मुझे ये ब्रांच में डाल दिया। इसमें वैकेंसी आता ही रहता है, तो वो एज अ वैकेंसी फिलअप कर दिया मुझे यहाँ पे। ओके ओके, वैसे तुम्हें क्या सैलरी क्या पे कर रहे हैं वैसे इसमें? इन हैंड तो सर 11K पे कर रहे हैं और 12K सैलरी है, बहुत कम है। और तुम्हारा बहुत ही कम है कब ये। से लगे हो? मैं जून से कर रहा हूँ यहाँ पे काम। जून से कर रहे हो? ओके, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक हो गया, 6 महीने तक अप्रॉक्स हो गया ना? 6 महीने हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। देखो एक चीज ध्यान देना, जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो तो डेफिनेटली रिबार डिटेलर ही होगा। हाँ तो डेजिग्नेशन में रिबार डिटेलर था, अभी नया ऑफर लेटर जो आएगा वहाँ पे जॉयस डिटेलर देंगे वो किसको बोले। पता है, तुम नया लोगे तब तो आएगा। ठीक हाँ है हाँ हाँ ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें वहां पे ऑटोकैड पे काम करते थे रिबार या फिर आरसी कैड वगैरह कुछ यूज करते? हाँ ऑटो कैट के साथ आरसी कैट प्लगइन था। आरसी कैड प्लगइन था ना, तो आरसी कैड में तुम काम कर रहे थे, और अब तुम उस डिटेलिंग के काम में मजा आ रहा था क्या तुमको? सर प्रेशर था, उतना मजा नहीं आ रहा था, अच्छा, सबमिटल का प्रेशर बहुत था। मतलब नहीं, स्ट्रक्चर्स को जब डिटेल कर रहे तब मजा आ रहा था, ऐसा मैंने बोला। हाँ स्ट्रक्चर को मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रीडिंग कर रहा था तब मजा आ रहा था, लेकिन सर वहाँ पे क्या था बोलिए तो, बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ रहा था आपको हमको, मतलब ये फॉन्ट का स्टैंडर्ड अलग है, इतना से यहाँ का मतलब साइज का स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड बहुत होता है वहाँ पे। डिटेलर का स्टैंडर्ड ही होता है, डिटेलर मतलब ही होता है ना, मतलब आप उस चीज के एक्सपर्ट हो। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो अब मैं बहुत स्ट्रक्चर को फिनिशिंग करके दूं ये जरूरी नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इसके मेरे बाद आपकी प्रोफाइल आती है, ठीक है? एक ड्राइंग जो होती है पहले उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग वाला करेगा, फिर एक मॉडलिंग होती है जिसे मॉडलिंग वाला करेगा, बीम वाला बंदा जो रहेगा वो करेगा, फिर आती है डिटेलिंग के लिए, सॉरी डिजाइनिंग के लिए, तो डिजाइनिंग मैं करूंगा, ठीक है, एज पर योर आर्किटेक्चर मॉडल। अब मेरे बाद आता है आपका प्रोफाइल, दैट इज डिटेलिंग प्रोफाइल, तो डेफिनेटली हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एकदम एक्यूरेट करो। और यही नहीं, आप अभी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करोगे तो वहाँ नहीं और सर मांगेंगे, एक्यूरेट तो था ही, वो तो एक्यूरेट था, मतलब टेक्स्ट का स्टैंडर्ड होता ये है। सब स्टैंडर्ड। अरे तुम अभी यूएस का एक डिटेलिंग का काम करोगे ना, तुम कान पक जाएगा, इतना ज्यादा डिटेलिंग मांगते हैं हाँ वो। सर यूएस डिटेलिंग का ही काम कर रहा था मैं। हाँ तभी बहुत बुरा होता है, ऐसा लगता है कि छोड़ के चला जाऊँ। अच्छा, इंडिया के ड्राइंग्स में हाँ हाँ उतना नहीं देखा जाता है, इंडिया के ड्राइंग में क्या रहता है कि, इंडिया का ड्राइंग नहीं कर रहा था, यूएस का ही हाँ ड्राइंग था, वो ह्यूस्टन का था, ह्यूस्टन का होस्टन का वही बोला ना, इंडिया के ड्राइंग में इतना नहीं डालास देखा जाता हूस्टन है, ऐसे। समझ गया मैं, तभी तुम परेशान हो। तो अब ये बताओ कि अभी तुम्हारा आगे का क्या प्लान चल रहा है, कि किस में तुम करना चाह रहे हो ये बताओ। वही कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, आगे क्या करूँ, सैलरी ग्रोथ भी नहीं हो रहा इधर रह के, मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कुछ दिख ही बीटेक नहीं किया रहा है है। तुमने, डिप्लोमा किया है? मैं बीटेक किया हूँ, डायरेक्ट 12th का बाद बीटेक बीटेक। किया हो, ओके, तब तुम पता है क्या करो, तब तुम जॉब इधर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, अब तुम्हें स्ट्रक्चर्स में जॉब जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग सर तुमसे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद, नहीं, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा हो रहा होगा, क्योंकि मेरे में मैं ऑफिस में हूँ, मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। अच्छा मैं फिर देख रहा हूँ एक बार। नहीं, कोई बात नहीं, देखो देख लो, क्योंकि हाँ मेरा ठीक है ठीक है। मेरा 100 Mbps है, तो आई थिंक सही होगा, और बगल में लगा हुआ, अकेला यूजर हूँ मैं, तो नहीं नहीं फिर ठीक हाल, है ठीक है चलो सर ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फिर हाल ये समझदारी है इस समय कि तुम ब्रदर स्ट्रक्चर्स में जाओ, अब तुम्हें स्ट्रक्चर्स में जॉब जल्दी मिलेगी। तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुमने अभी स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग का काम कर लिया है,
सुन रहे हो मेरी आवाज क्लियर जा रही क्या? हाँ, चैप्टर हाँ, का डिटेलिंग का काम कर चुका हूँ। डिटेलिंग का। अब तुम अगर स्ट्रक्चर्स में जाते हो, मतलब स्टेटफोर्ड वगैरह में जाते हो, तो तुम्हारी जॉब भी जल्दी लगेगी और प्लस तुम्हारा प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है? उस और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यूएस बेस्ड कंपनी में इतना कम पैकेज दे रहे हैं। पहली बात तो ये गलत है, यूएस बेस्ड कंपनी में पैकेज बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है? मैं फ्रेशर था ना सर, इसलिए शायद। मे भी इसी वजह से, बट फ्रेशर्स को भी एटलीस्ट 16-18 20 हज़ार रुपये देते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, जो है वो तो अभी ऑफकोर्स है। मेरे साथ जो डिपार्टमेंट था वो लोग टेकला से इधर आए थे, टेकला में मॉडलिंग कर रहे थे, तो वो लोग भी फ्रेशर थे, लेकिन उन लोग को अपना पैकेज जो मिल रहा था वही मिल रहा था, लेकिन मैं और एक मेरा एक दोस्त था, उन लोग को सिर्फ इतना फ्रेशर था इसलिए इतना देखो मिल रहा था 12,000। डिटेलिंग का जो मेन पहले 3 महीने सॉफ्टवेयर तो प्रोबेशन पीरियड था, वो है, 10,000 मिल रहा था, फिर प्रोबेशन खत्म हुआ जब, तब बोला 12,000 करके देंगे, 1,000 इन हैंड और 1,000 पीएफ के लिए काट रहे हो, तो 1,000 PF के लिए काटा था। ओके ओके, पीएफ नहीं मिला अभी तक, वो तो अभी मिलेगा कि नहीं नहीं पता है, नहीं पीएफ जो होता वो है 6 महीने एक बाद हजार तो मिलता नहीं, है, 6 महीने बाद आप पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट नहीं हुआ है शायद। ओके समझ गया। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये तो है ही सब बातें। लेकिन देखो अभी एक चीज ये है कि अगर तुम डिटेलिंग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक ऑप्शन तुम्हारे लिए बनता है टेक्ला, क्योंकि टेक्ला जो होता है ये 3D डिटेलिंग करता है, तुमको तो पता ही होगा ऑफिस में लोग कर रहे होंगे, तो ठीक है। तो एक हाँ ऑप्शन हाँ ये है कि स्टील तुम का स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं। हाँ स्टील के लिए, फिर आरसीसी के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। टेक्ला में 3D डिटेलिंग हो जाती है इसलिए पैसा ज्यादा मिलता है। तो अगर तुम्हें डिटेलिंग में ही करियर बनाना है बड़े आसानी से, डिटेलिंग में तुम ऑलरेडी हो, किसी भी कंपनी में तुम रिज्यूम डालोगे और वो नीचे मेंशन करोगे टेकला, क्योंकि अगले कंपनी को नहीं पता ना कि तुम किस में कर रहे थे, तो तुम मेंशन कर सकते हो टेकला और आगे लिख सकते हो आरसी कैड। अब इसके लिए जरूरी है इतने लेवल का टेकला का नॉलेज हो कि तुम उनको बोल सको कि हाँ मैं टेकला में भी करता था और आरसी कैड में भी करता था, ठीक है? तो अब एक प्रोफाइल तुम्हारे लिए फिक्स हो गया। अगर तुम्हें उस लेवल का टेकला सीखना है मैं सिखा दूंगा, ठीक है? उसका टेंशन नहीं है। लेकिन तुम फिक्स करोगे नहीं, क्या? मुझे सर हाँ बताओ। डिटेलिंग नहीं करना है, मुझे स्ट्रक्चर में जाना है या तो साइट में जाना है, ये दोनों में ओके, से कुछ एक प्रोफाइल। तो फिर अब डिटेलिंग का रास्ता खत्म कर दो, अब वो टेंशन खत्म। अगर जिसमें नहीं जाना है उसका सोचो ही मत। दूसरा, साइट के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि साइट में फिर तुम ऐसे परेशान हो जाओगे, ठीक है? जैसे तुम अभी परेशान हो ना, सर क्योंकि देखो क्या होता है कि साइट में एक लिमिटेड ग्रोथ है। साइट में तुम्हारा काम क्या है? खड़े होके सिर्फ लेबर को हैंडल करना, राइट? और जो तुम करोगे वही काम तो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला भी करेगा ना, क्योंकि हैंडल तो लेबर को ही करना है ना, गॉट इट? तो तुम्हारी सैलरी की जो ग्रोथ होगी बहुत लेस 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 होगी, क्योंकि देखो साइट पर ना हमें बहुत एक्सपर्ट बंदा टाई लगा के आए, हमें उसकी जरूरत तो है नहीं। साइट पर तो हमें बस ये चाहिए कि हमारे लेबर को पैसा गिन के दे दे, कितना ट्रक बालू आया, कितना ट्रक ईंटा आया, यही गिन के हमको बता दे। तो उसके लिए कंपनीज कभी भी तुम्हें 70,000 रुपये पे नहीं करेंगी, गॉट इट? तो इसलिए अगर तुम लॉन्ग अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो साइट छोड़ दो, ठीक है? रिवार्ड डिटेलिंग में बहुत ग्रोथ है बट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, सो इसको छोड़ दो। अब एक सेंटर आता है, तो दैट इज स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो इसके लिए पहले तुमको ऑटोकैड का नॉलेज तो अच्छा हो ही चुका है, मुझे पता है। इसके बाद तुम्हें स्टैट प्रो अच्छे से आना चाहिए, आरसी कैड, ये आरसी कैड भी तुमको आता ही है, आरसीडीसी सीख लो, ईटीएफ सीख लो और सेफ सीख लो, ठीक है? अगर तुम्हें ईटीएफ, सेफ, स्टैट प्रो और आरसीडीसी आ गया तो तुम स्ट्रक्चर्स के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है? और इसके अलावा तुम क्या कर सीख सकते हो, एक एक्सेल, एक्सेल डिजाइनिंग, क्योंकि बहुत ढेर सारी अभी भी कंपनियां जो हैं प्रकाश वो अभी भी सर एक स्ट्रक्चर्स। मिनट सर, थोड़ा सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं एक बार नेट को दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट सर। तुम लगे तो कट करके फिर से आ जाओ। नहीं, ठीक है, सुनाई ओके, दे रहा है सर? हाँ मुझे तो सुनाई दे रहा है, मेरे प्रॉपर आ रहा है, हाँ सर बोलिए। ठीक है? तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि तुम अब रीबार वाली लाइफ खत्म कर दो, साइड वाली खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट करो, दैट इज योर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आना चाहिए? अगर तुम स्ट्रक्चर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अप्लाई करना तो पता ही होगा, लिंक्ड इन जॉब सर्च, नौकरी.com, इंडीड.com, ये 3 सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से अप्लाई करोगे।
मैं लिंक्डइन पे सर पोस्ट डालता रहता हूँ, लेकिन सर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो वहाँ सर। पोस्ट डालते हो ना? सर जॉब्स जॉब्स अप्लाई के लिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देता है वो 3 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो मैं कहाँ से अप्लाई करूँगा? करेक्ट, उसने लिखा वहां पर 3 साल, राइट? अब जरूरी नहीं, मेरे पास बहुत ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा लेकिन तुमसे कम नॉलेज होगा उनके पास। कभी भी एक कंपनी की स्ट्रेटजी होती है, अगर कंपनी 3 साल लिखा हुआ है तो वो 1 साल वाले को भी रिफर करेगा आपके पास, क्योंकि एग्जैक्टली 3 साल के बहुत कम लोग मिलेंगे ना, एकदम उनके एकदम डाटा के अंदर में वो लिखते हैं ना 3 to 5। अब कोई होगा जो जिसके पास 1 साल का होगा, कोई होगा जिसके पास 4.5 साल का होगा, कोई होगा जिसके पास 6 साल का होगा, तो कभी भी उस सेगमेंट्स में उनको नहीं मिलेंगे एम्प्लॉई, वो भी खोज ही रहे हैं। तो जब तुम ये देख के अप्लाई नहीं करते हो कि यार वहां पर तो 3 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो इस चक्कर में तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, अप्लाई तो करके देखो। अब दिक्कत क्या होती है, एक चीज और होता है, तुम जब अप्लाई करते हो तो तुम उनके क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हो, गॉट इट? शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है, अगर मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है तो मैं ये नहीं देखता कि उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 5 साल का है, मैं ये देखता हूं कि उसको वो चीज आती है क्या जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। तुम भी यही करोगे ना? हाँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारा स्किल प्रेफर करूंगा सर। कोई भी है, कंपनी भी इसके लिए प्रिफर करती है, ठीक है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि फ्रेशर के पास इतना नॉलेज होगा ना, और फ्रेशर प्रेजेंट भी नहीं कर पाता कि कितना नॉलेज है। ठीक है, देखो एक चीज होता है, मैंने एक एचआर से सीखा था, मेरी दोस्त थी एचआर, तो क्या बोलते हैं, उससे मैंने अच्छी सी चीज सीखी थी, तुमको ब्रह्मांड का कितना नॉलेज है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुमने जो रिज्यूम में लिख रखा है वही मेरे को आइडिया है। ठीक है, मैं तो प्रकाश को जानता ही नहीं, तुम प्रकाश को कितना नॉलेज है क्या पता, प्रकाश के सीवी में जो मिल रहा है वही नॉलेज प्रकाश का, मैं मानता हूं, गॉट इट? अब ये चीज होती है कि देखो अपने घर में ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तुम्हारे बहन को, तुम्हारे सिस्टर को, या मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को, और क्या बोल, मेरी मदर को बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा, ठीक है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो कभी भी अपने हिडन टैलेंट को शो नहीं करते, ठीक है, इसलिए वो मास्टर शेफ नहीं बन पाते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिज्यूम के अंदर वो प्रेशर दिखाना है कि मेरा रिज्यूम इस लेवल का है, मेरे पास इस चीज का नॉलेज है। एक कंपनी थी, जब मैं फ्रेशर था तो मैं एक स्टोरी तुमको छोटे सुनाता हूँ, तो वो कंपनी में ओपनिंग्स आई और ओपनिंग्स में लिखा हुआ था रेबिट एमईपी आना चाहिए और 4 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, तब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसी टाइम मैं उस एचआर से सीखा, उसने बोला कि अपना रिज्यूम भेजो मैं अप्लाई कर दूंगी, तो मेरी टीम की बंदी है वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर लेगी, तो मैंने उसको भेजा, तो उसने रिज्यूम भेजने उसने बोला इसको अगर भेजूंगी तो एक भी रिप्लाई तुमको नहीं आएगा। मैं कहा ऐसा क्यों? तो बोलती कि इसमें ऐसा कुछ है ही, तुमने इतनी चीजें डाल रखी है कि वो एचआर कंफ्यूज हो जाएगी, उसको जो चाहिए वो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि यार मेरी सीवी तुम बना दोगे क्या? ठीक है, मैं इतनी बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग किया था अपने सीवी में, फोटो लगाया था जैसे शादी में जा रहा है, और मेरा रिज्यूम ऊपर रिज्यूम लिखा था, और इधर सब कुछ अपना हिस्ट्री लिखा था कि यहाँ टॉप किया, यहाँ ये किया, उसने सब हटा दिया, उसने सिर्फ ये देखा कि उस कंपनी को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 लाइन लिखा, और मेरे टेक्निकल स्किल्स में सब हटा के केवल क्या लिखा, रैबिट एमईपी, ठीक है, और सीवी जैसे कि 1 घंटे के बाद मुझे मेल आ गया कि आपका रिज्यूम, आपका जो इंटरव्यू होता है ये इस टाइम को शेड्यूल किया जाएगा। मैं हैरान हो गया, तो फिर मैंने उसको फोन किया कि तुमने ऐसा क्या बना के दे दिया कि तुरंत ही मेरे को, आगे में तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि मैं एमएनसी थी, ठीक है, तो उसने मुझे रिज्यूम भेजा, तो मैं हैरान हो गया कि मैं इतना डेंट पेंट किया था, इसने सिंपल सिंपल में एकदम से सीवी बनाई और मुझे कॉल आ गया। तो तब से मुझे लर्निंग हो गई कि कंपनी को क्या चाहिए उसके बेस पे सीवी बनाओ, ठीक है। अगल बगल है क्या कंपनी वाले ही है क्या, देखना चुगली ना सर करने कंपनी वाले हैं? नहीं, चुगली नहीं करेंगे सर। ठीक है, मैं भी अपनी पहली कंपनी में था तो उसने बोला कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा दूसरे कंपनी में, तो वहाँ पे मैं वही मतलब उसी ऑफिस में बैठ के वीडियो स्काइप पे मैंने इंटरव्यू दिया। अब क्या हुआ कि एक बंदे को पता चल गया, अब सब भीड़ लगा लिए, तो मैं गेट लॉक किया था, कांच का गेट था,
मैं लॉक करके बैठा हूँ, मैं कहा बवाल तो होने वाला है लेकिन यहाँ कंसंट्रेट हो जाऊंगा तो सिलेक्शन पक्का, तो बवाल होगा तो देखेंगे। मैंने सिलेक्शन ले लिया, फिर मैंने बोला आ जाओ, बोलते क्या हुआ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरा होना ही होना है, मैं कहीं इंटरव्यू दिया मेरा हो गया है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लो, ये तो काम है, कली की चुगली करने की आदत होती है। कुछ होते हैं जो जी सर जी मैडम वाले होते हैं ना, वो बड़ी चुगली करते हैं। आपने मेरा रिज्यूम देखा सर? नहीं, वही मैं तुमसे बात करने वाला था कि मैं तुम्हारा रिज्यूम देख के तुमको रिप्लाई कर दूंगा, अगर वो ठीक होगा तो ठीक, नहीं ठीक होगा तो मैं तुम्हें सैंपल भेज दूंगा, ठीक है। मैंने रिविट आर्किटेक्चर भी सीखा लेकिन मैं प्रैक्टिस के वजह से भूल गया। यही प्रॉब्लम किया होती था है। तब जब ऑटोकैड का कोर्स किया था ना, तो उसके साथ रिविट आर्किटेक्चर का भी कोर्स किया था, लेकिन सर मेरा लैपटॉप में मतलब हाई फाई नहीं थी, लैपटॉप नहीं था तो इंस्टॉल नहीं हुआ मेरा रिविट आर्किटेक्चर, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से भूल गया। कंपनी में भी नहीं सीख पाया था आगे कुछ, इसलिए भूल गया। अभी तुमको पहली बात तो अगर स्ट्रक्चर में जाना है तो लैपटॉप कंपलसरी है। हाँ लैपटॉप है मेरे पास स्ट्रक्चर के लिए सर, स्टैट प्रो के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेरा लैपटॉप ले लेगा। तो लेकिन सर वो मॉडलिंग के लिए थोड़ा ग्राफिक्स वाला लैपटॉप चाहिए होता है ना, वो नहीं था। अभी मेरा पास 4 GB RAM का लैपटॉप है, यहाँ पे स्टैट प्रो हो जाएगा ना। स्टेप पर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या बोलते हैं, पूरा अगर तुम्हें पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर में ही जाना फिक्स कर चुके हो, ठीक है, तो मेरा यूनिक्स सर रूल पे आप ही बोलिए कि किस में जाने से ग्रोथ, मैं ग्रोथ चाहता हूँ। मेरा मेरा दोस्त लोग सर स्ट्रक्चर अभी में ना सबसे कमा ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। अभी तक क्यों ग्रोथ है उसका रीजन बताता हूँ ना, उसका रीजन ये है कि आज के टाइम में हर कोई जान रहा है कि मटेरियल का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, हर कोई अपने मटेरियल को सेव करना चाहता है, प्लस सेफ भी रहना चाहता है ना, तो स्ट्रक्चर्स में ही ये संभव है। तो अब क्या होगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का ऐसे प्रोफाइल है, इसमें ग्रोथ बढ़ता चला जाता है, जितनी बड़ी बिल्डिंग्स आप डिजाइन करने के लिए कैपेबल हो उतनी सैलरी आप कंपनी से ले सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ही बेस्ट है, मैंने स्ट्रक्चर के लिए स्पेशली एक कोर्स बनाया हुआ है ऑल इन वन, ठीक है, कल उस पर ऑफर आने वाला है न्यू ईयर का, तो तुम एक बार उसको देख लेना, यूनिक्स सिविल ऐप पे डाउनलोड करके उसमें एक बार देख लेना ऑल इन वन, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं आपका है। टेलीग्राम चैनल क्या अभी एक्टिव नहीं है? बहुत दिन से कुछ आया नहीं वहाँ पे, यूनिक सिविल का नाम से टेलीग्राम चैनल जो था। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे टेक्निकल चीज़ें मतलब मोबाइल की चीज़ें बहुत समझ में कम आती हैं, एक बार मैंने नया मोबाइल लिया तो पता नहीं कैसे वो मोबाइल में मेरा वो रिमूव हो गया, मतलब मुझे टेलीग्राम वगैरह चलाना नहीं आता है, तो मेरे पास एक लड़का है वो सारा इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन वही मेरा मैनेज करता है, ठीक है, तो मतलब मैंने कभी फिर दोबारा देखा नहीं उसका, मेरा ऑनरशिप भी शायद चला गया है मे बी, मुझे पता नहीं है, तो मेरा टेलीग्राम एक्टिव नहीं है। यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, और उसमें ऑल इन वन देख लेना, उसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 250 घंटे जिसने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर का कोई भी इंटरव्यू चैलेंज देता हूँ उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। रीजन क्या है, उसके अंदर हर चीज डाल दिया है जो एक स्ट्रक्चर की इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको तुम चेक करो, उसको चेक करने के अलावा और भी बेटर ऑप्शन दिखते हैं, गो फॉर दैट, बट स्ट्रक्चर्स में जाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर में बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है प्रकाश, मतलब टेंशन फ्री अलग ग्रोथ है। रिवार में डिटेलिंग में भी है, और डिटेलिंग का काम बहुत एक्यूरेसी का रहता है, नहीं तुमने सर, आप बताया नहीं समझ उसके नहीं पहले ही मैंने बोल दिया था तुमको कि अगर यूएस का होगा तो बहुत बैंड बजेगी, ठीक है, क्यों, सर। मुझे पता था ना कि वहां सबमिटर कैसे होती है, सबमिटर के टाइम पे सर बहुत बहुत ही भीड़ बजता था, रात एक इतना इतना बारह रिवाइज बारह आता बजे है, तक। इतना रिवाइज आता होगा, वो रिजेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बहुत रिवाइज आता है कि ये चेंज करके दो वो चेंज करके दो, फॉन्ट का साइज सेम टू सेम रखो, ठीक है, उसी जिस साइज का फॉन्ट है उसी साइज का डायमेंशन करो, ये इतने लफड़े होते हैं उसमें। वो तो क्लाइंट उतना भी नहीं बोलेगा तब भी टीम लीडर बोलने लगता है सर। टीम लीड के लिए हम लोग का यहाँ पे एक टीम था और हाँ हैदराबाद में एक टीम था, ठीक है। हैदराबाद टीम सीनियर था, हम लोग का टीम तो नया था तो जूनियर था। यहाँ से वहाँ तक जब आता था तो वहाँ पे चेक प्रिलिमिनरी चेक, यहाँ पे एक टीम लीडर हाँ था हम लोग का कोलकाता पे, और हैदराबाद पे सेकेंड चेकर था। तो हाँ सेकेंड चेकर से जब फर्स्ट चेकर तक आता था बहुत बहुत देर होता था, उसको और बहुत तुमको बार बताऊं क्या, देखना तुम पड़ता। आरसी कैड में करते थे इसलिए कम होता था, एक बार टेकला वाले से पूछना और बुरा हाल होता है उसका, ठीक है, क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है। अच्छा टेकला में तो मेरा दोस्त लोग सर वो स्टील का कर रहे हैं, अभी स्टील का प्रोजेक्ट है, स्टील का डिटेलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर स्टील रहे का है, हैं। हाँ आरसीसी में बहुत बैंड बसता है, स्टील में थोड़ा कम बसता है क्योंकि उसमें हंजेस वगैरह फिक्स होते हैं, सिर्फ बोल्ट के साइज वगैरह को मैनेज करना रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें आरसीसी में बहुत पंगा होता है उसमें। चलो कोई ना, फिलहाल तुम समझ गए ना प्रकाश कि
या मुझे कहीं और नहीं जाना है, ठीक है साइट छोड़ दो स्ट्रक्चर में मेरे, जाना है। हाँ साइट छोड़ दो उसमें ग्रोथ नहीं है मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर उससे वही हाल होगा कि 1 साल बाद तुम बोलोगे यार अब क्या करूँ, ठीक है थोड़ा टाइम चला जाएगा और तुम बहुत कम सैलरी पे सर काम कर रहे हो, बहुत कम सैलरी पे काम कर रहा हूँ सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कोई सैलरी नहीं होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तुमको बहुत जल्दी मिल एक जाएगी जॉब। वही सर, कहाँ से अप्लाई करूँ, क्या करूँ, यही एक तो तुम्हें अप्लाई करने के लिए naukri.com पे आज एक वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, देख लेना उसमें मैंने पूरा बताया है कि फ्रेशर को कैसे अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल लिंक्डइन, नौकरी और इंडीड, एक भी ओपनिंग्स आए वहाँ पे डाल देना, बाकी सारे ट्रिक्स मैं उस वीडियो में आज शेयर कर रहा हूँ, वीडियो अभी यूट्यूब पे आएगा तो देख लेना। और इन तीनों प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे, पे। हाँ सर बोलिए, पहले आप बोल दीजिए। हाँ लिंक्डइन तो बोलो बोलो, लिंक्डइन पे हाँ लिंक्डइन पे कैसे जॉब सर्च करूँ, मतलब जो पोस्ट आता है वहाँ पे अप्लाई करूँ कि मैं कुछ सर्च करके करूँ। देखो मैं भी उस बच्चे को भी यही बता रहा था। ये लिंक्डइन है ठीक है, अब अगर तुम पोस्ट की बात करोगे तो पोस्ट में तो तब आएगा ना मतलब जब तुम्हारे कनेक्शंस होंगे, ठीक है अब देखो मेरे पास तो ओपनिंग्स होंगी, देखो कैसे अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो मेरे पास सर हजार हजार कनेक्शन है। तुम्हारे 1000 कनेक्शन है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो वी आर लुकिंग फॉर, इनको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, और नीचे आओ। अब देखो तुमको 1000 जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है कैसे, अब देखो मेरे कितने कनेक्शन है, आपके 7,000 है शायद, 7000 है, 7,500 है। और इसमें से अगर तुम देखोगे तो कम से कम 2000 HR होंगे, 2000 मतलब इसमें HR होंगे, ये देखो एक यार को ज्यादा कनेक्ट करके रखो। HR को ही कनेक्ट करके ज्यादा रखो, क्यों, क्योंकि इनके पास जैसे ही नहीं कोई ओपनिंग आएगी ये शेयर करेंगे, ठीक है अभी देखो ये HR है, अब किसी न किसी सिविल कंपनी में होंगी तभी मेरे साथ अटैच है ये, ठीक है तो HR को अगर तुम रखोगे तो तुम्हारा ज्यादा बेनिफिट होगा, उसे क्या होगा जो तुम्हारा पोस्ट आएगा वो पोस्ट उसी से रिलेटेड ज्यादा आएगा मतलब, ठीक है तो इसलिए सबसे, अब मेरे साथ क्या होता है मुझे तो लोग रिक्वेस्ट भेजे रहते हैं ना जो यूट्यूब वूट्यूब के भी बच्चे होते हैं, इसलिए मुझे कम आएगा बट तुम्हें ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखो ये भी HR बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है, LNT चेन्नई ऑफिस में, कौन है, नेहा है, मे भी मेरे से कनेक्ट होगी, ये देखो अभी इनकी नई जॉब लगी है, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब HR तुम्हारे साथ रहेंगे इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसे ही तो चीज आएंगी ना तुम्हारे सामने, तो HR अपनी रिक्वायरमेंट्स हमेशा लिंक्डइन पर डालती हैं, ये फिक्स है, ठीक है इनके माध्यम से जाओ तो तुम्हारा पहला चीज है। दूसरा मैं फिर से बोलूंगा नौकरी भी अभी भी अच्छा है, कल भी अच्छा था। तीसरा नौकरी से सर ज्यादातर फेक कॉल आते हैं। पहले मैं नौकरी पे किया था, वहां से फ्रॉड कॉल आते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपया दीजिए। 10 कॉल में से 9 कॉल 100% फेक होंगे, ठीक है लेकिन एक कॉल जरूर जेन्युइन होगा प्रकाश, एक कॉल हमें एक ही कॉल, इसलिए मैं 1 साल 2-1.5 साल से नौकरी बंद करके रखा हूँ, हाँ ऊब जाते हैं अप्लाई नहीं मतलब मैं करता। खुद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को भी कभी गलती से अगर कहीं अप्लाई कर दिया, आप तो मैं नहीं करता हूँ कहीं अप्लाई क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, लेकिन कहीं कर देते थे ना इतना कॉल इतना कॉल इतना कॉल, लेकिन वो फ्रॉड अलर्ट वाले आजकल बड़ा अच्छा आ गया है, ठीक है क्योंकि वो तो पता चल जाता है कई ढेर सारे लोग ना फ्रॉड अलर्ट, ट्रू कॉलर अगर तुम्हें मोबाइल में है ट्रू कलर पे फ्रॉड अलर्ट हाँ आ जाता है। फ्रॉड अलर्ट आ जाता है, तो उनको उठाने का ही नहीं, उसमें से जो जेन्युइन है सिर्फ उनको उठाने का, ये मान लो कि 10 में से 9 फ्रॉड आएंगे, ठीक है और पैसा नहीं देना है खत्म, सीधा कॉन्सेप्ट है पैसा मांग रहे नहीं हो, पैसा तो नहीं देना है, पैसा हाँ तो नहीं देना है। अगर उसने पैसा मांगा है तो 2 अच्छी सी गालियां दो, फोन रख दो, खत्म। अभी इंडीड पे भी फ्रॉड हो गया सर, मैंने इंडीड पे अभी तो नंबर दिखा रहा है, मतलब एम्प्लॉयर का नंबर। मैंने 2-3 पे कॉल किया तो कंसल्टेंसी लोग पैसा मांग रहे हैं, 700 रुपया रजिस्ट्रेशन लेके आओ, फ्रॉड अभी काट देता हूँ। लिंक्डइन पे भी है, इंडीड छोड़ दो फ्रॉड लिंक्डइन पे भी है, ठीक है जितना तुम प्लानिंग कर रहे हो जॉब सर्च करने की उतना ही कोई प्लानिंग कर रहा है अच्छा एम्प्लॉय सर्च करने की, उतना ही कोई प्लानिंग कर रहा है कैसे फ्रॉड किया जाए, ठीक है बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे 1.5 लाख रुपए दो तुम्हें ट्रेनिंग कराएंगे तुम्हें एमएनसी में सेलेक्ट करवा देंगे, ठीक है फ्रॉड है सीधे सीधे फ्रॉड है, जी ठीक है क्योंकि पैसा मांगे तो फ्रॉड है। पैसा मांगा तो फ्रॉड है प्रकाश, अगर मैं आपको किसी कंपनी में लगवा दूं बिलीव करिए एक एम्प्लॉय के पीछे मुझे 5000 रुपये मिलेगा, मुझे खुद मिलता है तुम नहीं दोगे,
कंपनी देती है मुझे। एम्प्लॉय देगा, हाँ कंपनी देगा, एम्प्लॉयर देगा, ये हाँ तो होता है, क्योंकि कंपनी यही का सब काम मैं होता करके दे रहा हूँ। अगर वो एचआर हायर करेगा 25-30 हज़ार रुपए में, तो मैं जब उसका एचआर हूँ तो मुझे पैसा तो देगा ना वो, है। हाँ ठीक है। तो फिर मुझे तुमसे लेने की जरूरत क्या है, वो तो फेक हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए तुम टेंशन फ्री होके अभी अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये एक्सपेक्ट करो कि 10 में से 9 फेक रहेंगे, 1 रियल रहेगा, ठीक है। मैसेज कॉल आता है तो तुरंत उनको टेक्स्ट मैसेज कर दो, मेरे पास भी अगर आता है मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, जो रियल रहेंगे वो टेक्स्ट मैसेज का भी रिप्लाई करते हैं, या फिर सेंड मी योर मेल आईडी, ऐसा करके मेल कर दो, मैसेज कर दो, बस खत्म, ठीक है। इस तरीके से जाओ, और एक बार तुम ऐप डाउनलोड करके ऑल इन वन देख लेना, स्ट्रक्चर की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके दो कंपनी को। तुम अगर मुझे सारी चीज़ें दोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं हायर करूंगा अगर मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि हम ये मैच करते हैं कि मेरा साल मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब अभी क्या कंडीशन है, जो 2 साल वहां लिखा है मेरा 2 साल हो गया कि नहीं, इससे नहीं लगता है। 2 साल लिखा के नीचे देखो कि उनको चाहिए क्या, हाँ ठीक स्किल है। किराना स्टोर अगर मेरा है तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो हल्दी और दूध और जो सब चीजों का पैकेट है वो पहचान सके। इस चीज की जरूरत नहीं है कि 10 साल से काम कर रहा, 10 साल से भी वही काम कर रहा था। 1 साल में अगर उसका दिमाग तेज है, मैंने बोला ये देखो ये 90 रुपए का है, 20 रुपए का जोड़ के बताओ कितना हुआ, उसने इतना बताया, मैं परफेक्ट, मैं कहा करो, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है और चीज की, गॉट इट। तो साल मत देखो, ये देखो कि उनकी उम्मीदें क्या है तुमसे, ठीक है। कंपनी उम्मीद ठीक है सर। देखती है, ठीक है। मेरा मेरा लिंक्डइन पे जितना कनेक्शन था सर, वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ था, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही आते हैं, तो मैं भी स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज के एचआर के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। जैसा हम खाना है वैसा तो बोना पड़ेगा ना, हाँ। ठीक है। अगर हम गेहूं बोएंगे तभी तो आटा खाएंगे, ठीक है। तुमने बोया बबूल है तो गुलाब थोड़ी मिलेगा, ठीक है। वही वही तब गुलाब बो तो गर्लफ्रेंड भी आएगी, पैसा भी आएगा, फूल भी आएगा, मस्त रहोगे। चलो एंजॉय करो और टेंशन फ्री होके काम करो। और बताओ कोई डाउट है, और हाँ सर, वो रिज्यूम आप एक बार देख के मुझे मैं बता रिज्यूम देके देते तो। तुमको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरी दूसरी मीटिंग 2:30 बजे से है, ठीक है। हाँ तो ठीक है मैं सर, ठीक है पाँच साढ़े सर, पाँच बजे फ्री होके तुमको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक चलो यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ।